ऑल राइट सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑप्टिक ट्रैक लीजन तो देखो ये राइट आई चली गई इसकी पूरी की पूरी इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिक नर्व में किसी तरह का कोई डैमेज है तो ये ऑप्टिक नर्व के अंदर जो डैमेज होता है वो इप्सिलेटरल होता है मतलब अगर राइट आई से आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है तो जो ऑप्टिक नर्व जो डैमेज है वो भी राइट ऑप्टिक नर्व है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं बाईटोरल हैमी एनोपिया बाई टेम्पोरल हेमीएनोपिया। एनोपिया तो अगर ऑप्टिक क्याजमा कंप्रेस होता है किसी भी कारण से हो सकता है पिटरी एडिनोमा के कारण कंप्रेस हो हो सकता है क्रेनियोफेरेंजियोमा के कारण कंप्रेस हो क्रेनियोफेलेंजियोमा एक पीडियाट्रिक ट्यूमर होता है बच्चों के अंदर देखने को मिलता है मैनन्जियोमा और पिटरी एडिनोमा अडल्ट ट्यूमर होते हैं तो बाईटेम्पोरल हैमी एनोपिया कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है और कहाँ मिलता है उसके बारे में हमने बात की ये होता है होमोनीमस हेमीनोपिया और ये कॉन्ट्रालेट्रल होता है तो मतलब अगर आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है तो जो ऑप्टिक ट्रेट ट्रैक्ट के अंदर जो लीजन है वो राइट right साइड में है अब ऑप्टिक क्रियासमा मतलब बाई बाईटेम्पोरल हैमीएनोपिया के बाद में ये मोस्टली हम कैसे पढ़ रहे हैं होमोनिमस पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेट टाइप के तो ये देखो पाई इन द स्काई है पाई इन द स्काई मतलब आसमान से बहुत सारे डोमिनोज के पिज़्ज़ा के स्लाइसेस आपके ऊपर गिर रही हैं ठीक है उनको आप खाओगे तो उनको खाने के बाद में आपको क्या होगा आपको हार्ट अटैक आएगा और मेरी बदुआ से आपको आएगा स्टेमी वाला हार्ट अटैक तो ये स्टेमी जो हार्ट अटैक है ये एज निमोनिक है जो हम यूज़ करेंगे कि एस का मतलब हो गया सुपीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया टी से हो गया टेम्पोरल लोब आपसे पूछ लिया जाए पाई इन द स्काई कौन सी लोब इसके अंदर इन्वॉल्व है सो द आंसर इज टेमी एंड टी स्टैंड फॉर टेम्पोरल लोब ठीक है टी ई एम एम है एम से याद रखना है हमें मेयर लूप कौन सा लूप इन्वॉल्व होता है मेयर लूप टेम्पोरल लूप के अंदर जो टेम्पोरल लोब के अंदर जो लूप होता है क्या नाम कहते हैं मेयर लूप अगर पाई ऑन द फ्लोर है तो उसे इन्फीरियर क्वाड्रेंटो एनोपिया कहेंगे इसके अंदर पैराइटल लोब इन्वॉल्व होती है और इसमें जो लूप इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं हम बी बॉम्स एम लूप ठीक है तो उस हिसाब से ये दोनों पाई हमारे क्लियर अब ये देखो मैक्यूलर स्पेरिंग है इसके अंदर मैक्यूलर स्पेरिंग इसलिए है क्योंकि मैक्यूला को मैक्यूला की ड्यूअल सप्लाई होती है एक तो होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी तो उसके अंदर इन्फेक्ट था इसीलिए ये ये एरिया हमें नहीं दिख रहा है उसके अंदर इन्फेक्ट था इसलिए हमें ये नहीं दिख रहा है लेकिन मैक्यूला की सप्लाई मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से भी होती है इसीलिए मैक्यूला के अंदर स्पेयर होती है लेकिन मान लिया जाए कि सिर्फ मैक्यूला वाला एरिया ही अंधे अंधकार में चला गया तो उस कंडीशन में वो होगा मैक्यूलाजन So this is all kind of optic lesions.